दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि कैसे हम लोग लेटेस्ट आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे होम पेज पे दिखाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड, अपने आर्टिकल से ही रिलेटेड दो चीज़ें करेंगे। एक तो हम लोग ये काउंट करेंगे कि हमारे अगर आर्टिकल में कोई आता है तो हम उसका व्यू काउंट करेंगे कि हमारे आर्टिकल को कितने लोग देख चुके हैं। दूसरा कि हमारे आर्टिकल में कितने लोगों ने कमेंट किया है। तो ये दो फीचर अपने आर्टिकल्स पे हम लोग शो करेंगे कि हमारे कितने जो आर्टिकल है, हमारे कितने यूज़र ने उसको देखा है, तो उसकी काउंटिंग करवाएंगे और हमारे आर्टिकल में कितने ने कमेंट किया है तो उसकी भी काउंटिंग करके हम अपने आर्टिकल में, अपने सारे आर्टिकल में शो करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हमने स्ट्रक्चर में जब जाएंगे, व्यू में जाएंगे, तो एक हमने आर्टिकल लिस्ट क्रिएट की थी। इस व्यू के थ्रू हमने आर्टिकल की लिस्टिंग गिराई थी। तो दोस्तों, अगर आपने ये नहीं कवर किया है तो पिछले वीडियो में देख लीजिए कैसे हमने आर्टिकल की लिस्टिंग की है। अगर मैं इसी में जल्दी से बता देता हूँ कि हमने आर्टिकल की लिस्टिंग जब हमने व्यू बनाया था, तो व्यू ऐड करते समय हमने उसका पेज बनाया था। पेज बनाने के बाद हमने कंटेंट टाइप में आर्टिकल फेच कर लिया था और उसकी फील्ड में हम लोगों ने टाइटल सेलेक्ट कर लिया था, बॉडी सेलेक्ट कर ली थी, इमेज और पोस्ट डेट। तो ये सब चीज़ें हमारी नीचे आ रही हैं जो हमने सेलेक्ट कर दी थी और सेव करा दी थी। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें काउंट करना है कि कितने लोगों ने इस आर्टिकल को देखा है। तो दोस्तों, उसके लिए हम लोग चलेंगे मॉड्यूल पर और हमारे पास एक मॉड्यूल है अपने कोर में ही और उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, जो आप सेव करोगे और यहाँ आप फाइंड करोगे तो ये मिलेगा आपको स्टैटिस्टिक्स। आपको इसको इनेबल करना है और सेव करना है। ठीक है, और सेव करने के बाद हम लोग इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग देखेंगे कि कैसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो गया, अब इसकी चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पे, कॉन्फ़िगर। तो देखिए, ये कुछ एक्सेस लॉक सेटिंग दिया है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। और यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे कंटेंट व्यूइंग और काउंटर सेटिंग, और नीचे लिखा है काउंट कंटेंट व्यू। आपको उस पर क्लिक कर देना है और सेव कर देना है। तो अब जो भी आपका कंटेंट होगा वो व्यू होगा और वो जितना भी व्यू होगा वो सब डेटाबेस में स्टोर होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने उस आर्टिकल वाले व्यू में जहां हम लोगों ने आर्टिकल की लिस्टिंग कराई है, वहीं पर हम दिखाएंगे अपने टोटल व्यू आर्टिकल की काउंटिंग। तो ये है हमारे पास वो व्यू, इसके एडिट पे चलते हैं। और यहाँ एक और फील्ड ऐड करेंगे, टोटल व्यू, ये आ गई। इसको अप्लाई कर देंगे। लेबल हमें चाहिए क्योंकि हमें पता चले कि ये टोटल है क्या। तो टोटल व्यू है हमारे पास, हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, नीचे आइए, ये देखिए, ये आर्टिकल दो बार व्यू हो चुका है, ये आर्टिकल अभी ज़ीरो बार व्यू हुआ है। तो अगर एग्ज़ाम्पल के लिए आप इस आर्टिकल पे क्लिक कर देंगे तो ये व्यू होगा, इसको लोड होगा, लोड हुआ तो ये व्यू में हुआ। अब अगर हम अपने यहाँ जाके रिफ्रेश करेंगे तो जो आर्टिकल था वो की काउंटिंग अब काउंट हो जाएगा। वो देखते हैं टू के नीचे क्या आता है, क्यों, ये देखिए वन आ गया, यानी कि काउंटिंग हो रही है। अब हम टोटल वोट वाला, सॉरी टोटल जो कमेंट वाला था वो कर लेते हैं, ऐड करते हैं कमेंट। ये देखिए कमेंट काउंट आ गया, इस पर क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए।
लेवल रख लेते हैं क्योंकि हमें पता चले क्या चीज़ है काउंटिंग जो हमारी आएगी। ये देखिए कमेंट ज़ीरो, किसी आर्टिकल पे कमेंट नहीं हुआ है तो वो कमेंट ज़ीरो है। तो हम चलते हैं अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम। ये टाइटल के नीचे रख देते हैं, इस कमेंट को भी इसके नीचे रख देते हैं, बॉडीज़ के बाद, ठीक है। इसको आप सेव कर देते हैं। अब हम चलेंगे अपने इसी पेज पे जहाँ हमने आर्टिकल की लिस्टिंग कराई थी। अब हम देखेंगे एक बार चल के देखते हैं अपने व्यू पे, सेव नहीं हुआ क्या। हाँ सेव नहीं हुआ, सेव करेंगे पहले। देखिए नोटिस आ रहा है टेम्परेरी स्टोर, जो अभी जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो टेम्परेरी हुए हैं, परमानेंट करने के लिए आपको यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए ये आ गया आपका टोटल व्यू, इस आर्टिकल को कितने लोगों ने देखा, ठीक है। इस आर्टिकल को एक लोगों ने देखा। अगर आपको फिर से टेस्ट करना है तो इस आर्टिकल पर एक बार क्लिक कर दीजिए, ये लोड होगा, ठीक है। लोड हुआ, रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए काउंटिंग बढ़ गई। अब हम क्या करते हैं इसमें कमेंट करते हैं। देखते हैं कमेंट काउंट हो रहा है कि नहीं हमारा। रिफ्रेश, देखिए कमेंट भी काउंट हो गया, ठीक है। व्यू भी एक बढ़ गया क्योंकि रिफ्रेश हुआ था पेज। तो दोस्तों ये था कि हम अपनी वेबसाइट पे के आर्टिकल्स पे या ब्लॉग पे कहीं भी हमें कोई भी नोट या कोई भी कंटेंट को काउंट कराना है तो किस तरीके से करा सकते हैं, ठीक है। आप भी करिए प्रैक्टिकली, आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको Drupal डेवलपमेंट की वेबसाइट में जितने भी फीचर्स हैं वो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।